Liberty Live, a platform to sharing your thoughts. देवानंद का फेस्टिवल हकीकत में जिंदगी का फेस्टिवल होता है। जब हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं, जब जिंदगी का उत्सव होता है, तब हम एक शख्स को याद करते हैं जिसका नाम देवानंद है। देवानंद किसी कलाकार का नाम नहीं, बल्कि उगते दिन को जिंदगी से भर देने वाली एक रोशनी का नाम है। एक रोशनी जो हमेशा चलती रहती है, आपके साथ चलती रहती है और आपके बाद भी चलती रहती है। जिंदगी के अलग अलग मकाम पर जिस तरीके से देवानंद ने फिल्में बनाकर लोगों के अंदर जिंदगी भरी, उनको पॉजिटिव किया, उनको सकारात्मक किया, उनको धनात्मक किया, मुझे लगता है कि शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक कलाकार ने सिनेमा के अलग अलग रंग को अपने तरीके से, अपने रंग में, या मैं यूं कहूं तो एक खुदरंग तरीके से पेश किया हो। आज देवानंद की जिंदगी के इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ बेहद वरिष्ठ लोग हैं जो पिछले 4 दशकों से देवानंद की पिक्चर्स को, उनके सिनेमा को बहुत करीब से देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग नहीं है, बल्कि सिनेमा के पर्दे के इस तरफ लोग हैं जहां पे देवानंद जब उभरते थे तो इनकी जिंदगियों में रोशनी उभर जाती थी। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा महेन सुराना सर का। वो एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और पिछले बहुत सालों से दूरदर्शन से वाबस्ता हैं, दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और लगातार अलग अलग कार्यक्रम के तहत अपने आप को आज के सामाजिक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हमारे पास भद्रेश बुश जी हैं, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं और देवानंद साहब के फैन हैं। देवानंद साहब का फैन कौन नहीं है, मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं या विदेशों की बात करूं, शायद ही कोई व्यक्ति जिसने देवानंद की किसी भी एक फिल्म को देखा है वो देवानंद का हकीकत में फैन हो चुका है। हमारे पास कुछ और वरिष्ठ नाम है, जिसमें से एक नाम तहजीब के शहर लखनऊ के अशोक मल्होत्रा साहब का है। आप बहुत सालों तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक वरिष्ठ पद पर रहे और इन सारी अलग अलग प्रोफेशनल पहचान के साथ उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि वो देव साहब के फैन है। और जहां इतने वरिष्ठ चेहरों की बातचीत हो रही है, वहीं एक बेहद युवा चेहरा भी हमारे आज पैनल में जुड़ा हुआ है, जो तपन पाटनी है मुंबई से। और वो जैसा मैंने कहा कि बाकी सारे लोगों की तरह वो भी देव साहब के फैन है। देव साहब के बारे में हमें, हम सबको पता है कि देव साहब अपने आप में एक करिश्मा थे। मैं अगर देव साहब के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक फिलॉसफी थे, जिंदगी के दर्शन की एक फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी जो कभी रुकती नहीं है, जो कभी थमती नहीं है, जो लगातार चलती रहती है। उन्हीं आयामों पे हमें बात करनी है, लेकिन मैं इसको एक बहुत छोटी सी किस्से से अपनी बात शुरू करूंगा। 1975 के आसपास का दौर रहा होगा और देव साहब पूरी तरीके से निर्देशन में उतर चुके थे। वो मुख्य भूमिकाएं तो करते ही थे, लेकिन सिनेमा के पीछे की बागडोर भी बहुत मजबूती से पकड़े रहते थे। उनकी बनाई हुई एक फिल्म इश्क इश्क इश्क, ये फिल्म रिलीज हुई थी और अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म का जो रिजल्ट आ रहा था, जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ रही थी, वो बहुत फेवरेबल नहीं थी। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के लगातार सुबह से फोन आ रहे थे और वो फिल्म के अच्छी परफॉर्म ना करने की सूचना देव साहब को दे रहे थे। देव साहब अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे घर पे, जिसमें आने वाले वक्त के एक बहुत शानदार डायरेक्टर निर्देशक भी थे, मैं जिनका नाम बाद में आपको बताऊंगा। और जब उनको ये सूचना मिली कि मेरी ये फिल्म जो अभी जस्ट रिलीज हुई है वो लगभग फ्लॉप हो चुकी है, बाकी और किसी डायरेक्टर की जगह, कि कोई और भी डायरेक्टर होता या प्रोड्यूसर होता तो वो एक शायद गम के साए में चला जाता, वो थोड़ी देर तक निराश हो जाता, लेकिन 10 मिनट के लिए एकांत में जाने के बाद देव साहब लौट कर आते हैं और अपने परिवार से कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक नई फिल्म का आइडिया आया है और नेक्स्ट फिल्म मैं इसी आइडिया से बनाऊंगा। एक शख्स जो कभी जिंदगी से हारता नहीं, जो किसी भी निराशा से कभी पराजय महसूस नहीं करता, वो देवानंद था। देवानंद के बारे में हमको पता है कि 21-22 साल का नौजवान लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करके, इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन करके, अपने पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक स्टैम्प बुक लेकर मुंबई पहुंचता है। उसकी स्टैम्प बुक में अलग अलग तरह के
स्टैम्प्स होते हैं जिनका उनको बचपन से बड़ा शौक होता है, उनको कलेक्शन का शौक होता है। और एक ऐसी हालात आती है जहां उनके पास एक भी पैसा मुंबई में रहने खाने पीने के लिए नहीं होता और उनको मजबूरी में अपनी वो स्टैम्प बुक बेचनी पड़ती है और उससे उनको 30 रुपए मिलते हैं। कुछ दिनों के इसी संघर्ष के बाद उनको अचानक पता चलता है कि प्रभात ताकी पुणे में एक फिल्म बनाने जा रही है जिसमें उनको नए कलाकारों का की जरूरत होती है और वो वहां पर पहुंचते हैं और पीएल संतोषी एक बहुत बड़े डायरेक्टर वो उनका वहां पर ऑडिशन लेते हैं, स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। और हम सबको पता है कि देवानंद साहब की मुस्कुराहट की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि जब वो अपनी तिरछी मुस्कुराहट से मुस्कुराते थे तो उनकी दो दांत के बीच में एक हल्का सा गैप था। संतोषी साहब उनसे कहते हैं कि साहब आपका ये दांत का जो गैप है वो दिख रहा है, आप कृपया इसको भरे। और वो एक चीज उनकी दांत के बीच में लगाई जाती है और फिर वो स्क्रीन टेस्ट देते हैं और उसमें उनकी आवाज बहुत साफ नहीं आती। ऑब्वियसली किसी के मुंह में अगर इस तरह की कोई चीज लगा दी जाए तो आवाज नहीं आती। और वो कहते हैं कि मैं अपने इसी दांत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता हूँ और मुझे कृपया ऐसे ही आप स्वीकार करें। उनका फिल्म स्क्रीन टेस्ट होता है, वो बहुत कमाल का होता है और वो अल्टीमेटली उस कंपनी में प्रभात कंपनी में 3 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो बहुत जबरदस्त एंट्री उन्होंने वहां से की जहाँ पे बहुत संघर्ष का जीवन भी उन्होंने जिया और फिर वहां पे उनकी मुलाकात किस तरीके से गुरदस्त से होती है। उनके कपड़े बदल जाते हैं, एक ही लॉन्ड्री से दोनों के कपड़े जाते हैं जहाँ पे गुरदस्त इस फिल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका के तहत जुड़े होते हैं और देव साहब एक कलाकार की हैसियत से, लेकिन दोनों के बीच में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है उस घटना के बाद जहाँ पे एक दूसरे के कपड़े बदल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि जब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, गुरदस्त साहब कहते हैं मैं तुमको अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका में एज एन मेन लीड मेन प्रोटैगनिस्ट तुम्हें दूंगा और गुरदस्त साहब भी ये वादा करते हैं जब मैं एक निर्देशक बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें मुख्य भूमिका में दूंगा। इस तरीके से उनकी एक दोस्ती की शुरुआत होती है जो आने वाले वक्त में एक बेहद कामयाब जोड़ी के रूप में उभरती। अब मैं इसी दिशा में बातचीत का रुख अपने पहले पैनलिस्ट महेंद्र सुराणा साहब की तरफ करूंगा और जिस तरह का हमारा आज का ये सब्जेक्ट है कि एक इंसान किस तरीके से अपने सिनेमा को लेकर, अपने एक्टिंग को लेकर, अपनी फिल्म मेकिंग को लेकर बेहद पैशनेट था जो देवानंद थे। तो देवानंद साहब के अगर हम निर्देशन या उनके फिल्म के बारे में अगर हम बात करें, फिल्म डायरेक्शन की बात करें, तो किस तरीके से देव साहब जो कि मुख्य रूप से एक अभिनेता थे उन्होंने अपने एक मैं कहूंगा कि ट्रांसफॉर्म अपने आप को किया और कैमरे के सामने से अपने आप को कैमरे के पीछे भी लेकर आए और अपने विजन को ज्यादा बड़ा और ब्रॉड किया और सिनेमा को एक बहुत मुख्तलिफ चेहरा दिया, एक मुख्तलिफ नजर दी और अपनी नजर से सिनेमा को वो देखने की कोशिश करने लगे। इसी पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि सुराणा साहब, देव साहब को अगर हम एक डायरेक्टर की नजर से देखें और वो एक कितना जिंदगी से भरा हुआ एक निर्देशक था जो जिंदगी की तमाम नेगेटिव खबरों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज खोज लेता था और वहीं से अपनी कहानी को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करता था। तो मैं सुराणा साहब से चाहूंगा कि इस पॉइंट पे देव साहब के बारे में वो अपनी राय रखना चाहें और फिर हम अलग अलग पैनल के साथ जुड़ेंगे और उनकी राय को भी हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। सुराणा साहब तो मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो हेलो सुराणा साहब एक बार आप शुरू करें, आप फर्स्ट पैनलिस्ट हैं, आप अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आप इसको शुरू करें और अगर नहीं पहुंची हो तो फिर मैं किसी और पैनल को इस चर्चा में शामिल करूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है और जैसे मैंने शुरुआत में जब चर्चा की थी और जब परिचय दिया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो पिछले 4-5 दशक से देव साहब की फिल्में देख रहे हैं और देव साहब की फिल्मों की वजह से शायद मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक फ्लैम्बोयंस आया होगा, एक ऊर्जा, एक उष्मा। तो देव साहब इतने इतने मुझे लगता था कि इंफेक्शस थे कि उनके आप एनर्जी को जब आप पर्दे पे देखते थे और उसके बाद जब आप 3 घंटे उनके साथ बिताकर आप हॉल से बाहर निकलते थे तो आपका जो चलने का अंदाज होता था, आपका बोलने का अंदाज होता था, उसके अंदर तेज शामिल हो जाता है। एक ऐसे ही शख्स हमारे बीच में है जो मूलतः गुजरात के हैं लेकिन उनका भी परिचय यही है कि वो देव साहब के बहुत बड़े फैन है। मैं भद्रेश जी को अपनी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा और जिन बात से मैंने सुराणा साहब को आमंत्रित किया था मैं वहीं से आपसे पूछना चाहूंगा किस तरीके से
देव साहब जो जब वो पर्दे के पीछे या कैमरे के पीछे जाते थे और एक पूरी कहानी को अपने तरीके से कहने की कोशिश करते थे, निर्देशित करने की कोशिश करते थे, तो उनका जो वो पक्ष है जो जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ था, जो जिंदगी से भरा हुआ था, उसके बारे में आप बताएं। बद्रे जी, अब एक एक एक्टर जो मुंबई में आया और जब वो एक्टर बनने आया तब ऐसे लोगों के सामने पेश हुआ जैसे कि बल्लभ साहनी, तो उन्होंने कहा कि तुम एक्टर बन नहीं सकते, यू कैन नॉट बी एन एक्टर, यू डोंट हैव दैट दैट सोसाइटी। नाउ साहब, एक जो आदमी अपने एक्टिंग के लिए आया है उसको पहले ही इस तरह का दबदबा मिल जाए तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, बट एक ये इंसान इतना ऊंचा था कि उसने ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया और ये स्टार्टेड हिज एक्टिंग के करियर। हम एक है ठीक है, बहुत नहीं चली, बट इसके बाद में उसकी फिल्म आई जिद्दी जो उसको अशोक कुमार ने ब्रेक दिया एंड दैट वाज सुपर हिट, तो वो लोगों ने उसके पर थोड़ा ध्यान दे दिया एंड बट उसका प्लान यही था कि ही वॉन्ट्स टू मेक हिज ओन फिल्म एंड उसने नव केतन की स्थापना की उसके भाइयों के साथ, बाजी बनाई, गुरुदत्त का डायरेक्शन, राज खोसला एज असिस्टेंट डायरेक्टर, द फिल्म वॉज सुपर हिट और लोग मन में देवानंद का नाम आ गया। एक्टिंग भी क्या थी देवानंद के बाद, एक चीज है साहब कि उसका स्क्रीन प्रेजेंस जो था That was excellent, marvelous. I mean, कोई भी लोग जैसे मेरा, मैंने सबसे पहले पहली फिल्म देवानंद की देखी वो थी बात एक रात की एंड दैट वॉज इन ईयर 1967, बट आई वॉज सो मेस्मराइज बाई हिज प्रेजेंस, हिज वे ऑफ स्पीकिंग, डायलॉग्स डिलीवरी, songs picturization, quite, I mean, quite fantastic. Like बाजी सुपर हिट हुई, इसके बाद में ये उसके एक दो फिल्म ये जरा ठीक नहीं चली, आंधिया और ये सब, बट इसके बाद में टैक्सी ड्राइवर जिसका भाई विजय आनंद काफी 17-18 साल के होंगे तो उसने स्क्रिप्ट लिखी उसकी, उसके पास बजट था नहीं साहब, टैक्सी ड्राइवर बनाने का देवानंद के पास पैसे थे नहीं, तो बॉम्बे के टैक्सी ड्राइवर उसके सामने आए कि साहब आप फिल्म बनाओ, हम आपके साथ हैं, और उसने कोई अपना पैसा तो था नहीं, तो उसने बॉम्बे के रोड्स यूज किया। आपने यदि आपने फिल्म देखी होगी तो आपने देखा मोस्ट ऑफ शूटिंग वॉज ऑन द बॉम्बे रोड एंड सर वो उसकी स्टोरी थी ये, I mean, it's a new, say, it was a new type of film. बिल्कुल जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में है ऐसी इंग्लिश बैकग्राउंड जैसी फिल्म पहली बार शायद आई होगी एंड दैट फिल्म वॉज अगेन सुपर हिट। तो सब इसके बाद में तो बात ही मत पूछो, देवानंद, हाउस ऑफ 44, बारिश, मुनीम जी, बट ये जो देवानंद का जो मेरे ख्याल से मेरी दृष्टि से इवोल्यूशन हुआ हो देवानंद का, जो हम जो पिछले सालों में हम जो देवानंद को देखने वाले थे वो इवोल्यूशन मेरे ख्याल से आया पेइंग फिल्म पेइंग गेस्ट से। पेइंग गेस्ट में इट वॉज अ लाइट कॉमेडी फिल्म बट वेरी स्वीट फिल्म, मिस एज पर मी दैट वॉज वेरी स्वीट फिल्म, आई लाइक दैट फिल्म वेरी मच, बट उसमें से जो देवानंद का जो नूर बार आया मेरे ख्याल से यही फिल्म से उसका स्टार्ट हो, और जो हम अगले साल में उसको जो देखने वाले थे वो पेइंग गेस्ट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एज पर मी। तो सब बाकी के भी मेंबर को मैं जरा चांस देना चाहता हूँ तो ये भी कुछ आगे बोले, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
हाँ जी सर प्लीज। मेरी आवाज ऑडिबल है? हेलो जी जी, मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? मैं म्यूट हो गया। सब नहीं पोर्टेबल मेरा, सब बाकी के पैनलिस्ट को भी मुझे चांस देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं धीरे धीरे, मैं तो चाह रहा था कि जी 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 जी। तो बहुत अच्छी बात बद्री जी ने अभी बताई इनकी पूरी जर्नी के बारे में, लगभग 20-25 साल की देवसाथ की जो जर्नी थी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। हम एक है जो पहली फिल्म की थी, प्रभात कंपनी की फिल्म थी और जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, और जिद्दी से हमको जो बड़ा ब्रेक मिला। जब हम जिद्दी की बात कर रहे थे और दादा मुनि की बात कर रहे थे, एक बड़ा कमाल की घटना ये है कि 1940 के आसपास की बात थी, जब देव साहब उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ा करते थे और किसी भी नौजवान की तरीके से उनको भी सिनेमा का बहुत शौक था, और वो भी जब भी वक्त मिलता था तो सिनेमा देखा करते थे। और उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार मैं कहूंगा अगर कोई था तो दादा मुनि अशोक कुमार थे। 1940 के आसपास एक ऐसा मौका आया कि दादा मुनि मुंबई से लाहौर गए, और लाहौर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जिसमें देव साहब पढ़ रहे थे, उसी कॉलेज में उनका एक प्रोग्राम था। और देव साहब ने बहुत कोशिश की कि वो अशोक कुमार साहब को छू सके, उनसे करीब जाके बात कर सके। जो कारण था अशोक कुमार साहब का, उसकी वजह से वो उनको छू नहीं पाए और उनको मिल भी नहीं पाए, उनको करीब से उनके पास जा भी नहीं पाए। और फिर एक वक्त एक वक्फा बदला, और 40s के लेट 40s की बात है कि कैंटीन में बैठे हुए थे, उसी कैंटीन में मिलने के एक दिन पहले उनकी मुलाकात शाहिद लतीफ से हुई थी, जो एक उस जमाने में उभरते हुए डायरेक्टर थे। और शाहिद लतीफ ने उनको बुलाया और उनसे ये कहा कि अगले दिन तुम इस फलाने प्रोडक्शन हाउस में आ जाना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। और वहां की कैंटीन में दोनों चाय पी रहे थे और अचानक लतीफ साहब ने कहा कि सामने जो कमरा दिख रहा है, तुम उस कमरे को नॉक करके अंदर चले जाओ। देव साहब ने पूछा कि अंदर कौन मुझे मिलेगा? लतीफ साहब ने कहा कि ये जब तुम अंदर जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा, तुम फिलहाल अभी अंदर जाओ। और देव साहब अपने स्टाइल में गए और नॉक करते हुए जब वो कमरे के अंदर घुसे तो वो लगभग उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस टाइम पे अंदर एक बेहद आलिशान कमरे के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जो सिगार पी रहा था, और वो शख्स अशोक कुमार थे। और अशोक कुमार ने बहुत इज्जत से बुलाया और उनको कहा कि आप बैठें और मैं चाहूंगा कि मेरी जो नई फिल्म आ रही है जिद्दी, उसमें आप मुख्य भूमिका निभाएं। मुझे लगता है कि जिस शख्स से मिलने के लिए वो इतना आतुर थे, जिसको छूने के लिए, जिसको करीब से मिलने के लिए, देखने के लिए, वही शख्स आज उनके सामने कुर्सी पे बैठा है और उनको ये फिल्म ऑफर कर रहा है, देव साहब के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो बहुत सारे ऐसे किस्से देव साहब की जिंदगी में हुए जो उनको लगा कि मैं डेस्टाइंड हूँ शायद इसी इंडस्ट्री के लिए, मैं शायद और कोई भी काम करता। और हम सब लोगों को पता है कि शुरुआत में उन्होंने बहुत दिनों तक मिलिट्री आर्मी सेंसर बोर्ड होता है उसमें भी काम किया, और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स की चिट्ठियां वो पढ़ते थे, उनको सेंसर करते थे। और उनकी कमाल की बात यह है कि उनको एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसने देव साहब की जिंदगी को बदल दिया। एक चिट्ठी थी जो किसी एक आर्मी के मेजर की थी, जिसने अपनी पत्नी को ये चिट्ठी लिखी थी कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन मैं ये काम करते करते बुरी तरीके से बोर हो चुका हूँ, मैं जिंदगी में शायद ये नहीं करने आया था, मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं अपनी जॉब को छोड़ रहा हूँ। देव साहब को लगा कि जब आर्मी की इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे काम करता हुआ एक व्यक्ति अपनी जॉब से खुश नहीं है और अपनी जॉब को छोड़ सकता है, तो मैं तो यहाँ पे एक्टर बनने आया था, मैं चिट्ठियां पढ़ने और चिट्ठियां बांटने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी जिंदगी को क्यों नहीं दूसरी दिशा में ले जाता, क्यों नहीं मैं अपनी जॉब छोड़ता। और उसी पल उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं आज ये जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं अपने उस दिशा में जाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से मुंबई आया। और उसके बाद जो हुआ वो डेस्टिनी है, सबको पता है। मैं दोबारा, मुझे दिख रहा है कि महेंद्र राणा साहब स्क्रीन पर दिख रहे हैं और लग रहा है कि बहुत सारी बातें उनके अंदर उमड़ घुमड़ के आ रही हैं। और हम सबको पता है कि देव साहब के वो बहुत बड़े फैन हैं और हम सब फैन हैं, हम सब की जिंदगी को बहुत करीब से देव साहब ने छुआ है और हमारी जिंदगी को बेहतर करने में, हमारी जिंदगी को ज्यादा खुशगवार करने में, हमारी जिंदगी को ज्यादा जिंदा दिल करने में किसी एक शख्स का, भारत की एक शख्स का अगर सबसे बड़ा हाथ है तो निसंदेह वो नाम देवानंद है। और साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर 5-6 चीजों को मिलाकर अगर मैं कहूँ इश्क, अगर मैं कहूँ मोहब्बत, अगर मैं कहूँ जिंदा दिली, अगर मैं कहूँ फ्लैम्बॉयंस, अगर मैं कहूँ स्टाइल, इन सारी चीजों को गूंथ कर कोई एक जिस्म, कोई एक चेहरा बनाया जाए तो यकीनन वो चेहरा देवानंद का होगा, यकीनन वो जिस्म
देवानंद का होगा। तो इसी मोड पे मैं महेंद्र पुराणा साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जिस फलसफे को देव साहब जीते थे कि जीना इसी का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो जिसने जिंदगी में कभी फिक्र के बारे में सोचा नहीं, जिसने ये माना कि आज जो है उसको जीना है, जो गुजर गया वो गुजर गया, और नई जिंदगी नए आने वाले दिन को जिसने बाहें खोल कर इंतजार किया, उस देव के बारे में मैं चाहूंगा कि मैं इस प्राणों साहब को जरूर बताएं। धन्यवाद साहब, आपने इतनी खूबियां देवानंद साहब की बता दी कि बाकी बचता ही नहीं है उनके बारे में बोलने। निवेदन में ये करना चाहूंगा कि देखिए, खूबियां हर इंसान में कई प्रकार की होती हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें अधिक 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 और बहुत अधिक खूबियां होती हैं लेकिन वो जीवन में सफल नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनका वरण नहीं करती। हम बॉलीवुड की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, लाखों लाख लोग पहले हजारों में होते होंगे, सैकड़ों में होते होंगे उस जमाने में, रोजाना हिंदुस्तान भर से मुंबई जाते थे, ट्रेन से उतरते थे, रंगीन सपने होते थे और सपने धूल धूसरित हो जाते थे क्योंकि न तो इधर के रहते न उधर के। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हम देवानंद साहब की बात करते हैं, एक एवरग्रीन पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो आवश्यक रूप से वो कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, वो देखने की बात है। मैं अमेरिका था, 3-1 साल पहले की बात है, तो वहां पर मैंने एक किताब देखी और उस किताब का पहला सेंटेंस था जिसमें ये लिखा हुआ था, इट इज रॉन्ग टू से दैट एनीथिंग कुड बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। तो मैं एकदम चौंका, मैंने कहा कड़ी मेहनत से तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये तो कहते हैं इट इज रॉन्ग टू से दैट एनीथिंग कुड बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। लेकिन उसका समाधान अगले ही सेंटेंस में था, उसमें लिखा हुआ था, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, if you are passionate about something then anything could be achieved through hard work or perseverance। to jab hum dev sahab ki baat karte hain, devanand sahab ki baat karte hain, to hum unke acting career ki baat karte hain, ya as a producer baat karte hain, ya as a director baat karte hain, story writer baat karte hain, ya any prakar ke vidhaon mein jo nishnat wo the, chahe sangeet ki baat karte hain, to unka jo passion tha, jo passionate the, वह बात एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हो सकती है। हम उनकी बायोग्राफी की बात करते हैं, उनमें जो बातें उन्होंने कही या उन्होंने जिन चीजों को कोट किया, उन्होंने आपने जिद्दी का जिक्र किया, तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने, देव साहब ने खुद ने कोट किया कि पाई साहब ने बाद में मुझे ये कहा कि कई बार वो ऐसे कहा करते थे लेकिन मुझे भी कह दिया, कई लोगों को भी वो मेरी एब्सेंस में कहा करते थे, और वो ये कहते थे कि इसका जो स्माइल है, इसकी जो मुस्कान है, इनकी जो नशीली आंखें हैं, और इनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज के बारे में। तो उन्होंने कहा बस यही चीजें देख करके मैंने तय कर लिया कि इनको लीड रोल में लेना है, और सिद्धि उनकी पहली फिल्म हो गई। अशोक कुमार साहब की आपने भी बात की, अशोक साहब की भी बात जब करते हैं तो अंततोगत्वा उन्होंने कुछ देखा ही तो होगा, नया ही तो था, एक बड़ा ऑफर उनको देना, तो उन्होंने उनको अवसर दिया, और अवसर देने का मूल बात यही थी कि उनमें चुंबकीय आकर्षण था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो सम टोटल सारी चीजों का जो मिश्रण था, उनको देख करके ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति आगे जाकर के कुछ करेगा। और हम देखते हैं कि कई अवसर ऐसे आए, जब हम देव साहब की बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में वो गए, राजनेताओं के पास वो जाते थे, अपने जो समकालीन अन्य हीरोज जो थे उनके साथ की बात करें, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं उनकी अगर बात करें, और दर्शकों की तो बात क्या करनी, और विशेष रूप से महिलाओं की, वो चुंबकीय आकर्षण उनको महान बना। बहुत कमाल की बात आपने बताई, और जिस तरीके से आपने बताया कि एक किताब में आपने पढ़ा कि अगर पैशन किसी इंसान के अंदर है तो वो हर उस इम्पॉसिबल चीज को भी अचीव कर सकता है जो शायद उसने अपने लिए कभी डिजायर कर रखी है। और हम डिजायर करते हैं और हम मेहनत करते हैं, हम पैशन से उसको फॉलो करते हैं, तो हम उस हर चीज को डिजर्व करने लगते हैं, और वही देव साहब के साथ में भी हुआ। हमारे बीच में कुछ और बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे और उसी बीच में, हेलो, एम आई ऑडिबल?
शायद कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है जी। जी तो मैं बता रहा था कि अभी कुछ और भी हमारे बीच में सीनियर पैनलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत करीब से देव साहब की फिल्मों के तहत देव साहब को देखा है। जब हम किसी कलाकार की बात करते हैं तो कलाकार का कहीं ना कहीं एक अंश उसके किरदार में उतर आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग किरदार को एक अभिनेता निभाता है और उसका जो मूल चरित्र होता है कई बार किरदार उससे बिल्कुल अलग भी होता है, लेकिन वो किसी भी किरदार को निभाता हो उसके उसके अपने चरित्र का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी शख्सियत का एक हिस्सा कहीं ना कहीं उस किरदार में भी चला आता है। उस किरदार की जो एक महक होती है उसमें देव साहब नजर आते हैं। देव साहब की इसी खूबसूरती जिसका जिक्र अभी पुराना साहब ने भी कहा कि किस तरीके से लड़कियों के पीछे दीवानी थी और उनकी उनके लिए बहुत तरह की किंवदंतियां हैं, बहुत तरह के मिथ्स हैं कि जब वो सफेद शर्ट और काला कोट पहनते थे तो किस तरह लड़कियां छतों से कूद जाया करती थी, उनके ऊपर सरकार ने बैन भी लगा दिया था, इस तरह की बहुत सारे बहुत किंवदंतियां हैं, मिथ्स हैं इस तरह के। यहाँ तक ये कहा जाता था कि उनको कई बार पब्लिक फोरम में काले कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता था कि ऐसी कोई चीज ना करें जिससे किसी भी तरह का समाज में एक असंतुलन हो जाए। तो बहुत तरह की दीवानगी मुझे लगता है कि अगर सिनेमा में दीवानगी किसी एक शख्स के प्रति अगर देखनी है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत उदाहरण देव साहब रहे हैं। मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि इल्म, अदब और नजाकत का एक शहर लखनऊ, वहां से हमारे बीच में अशोक मल्होत्रा साहब है और वो भी पिछले 4-5 दशक से लगातार देव साहब को अपनी नजर से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं देव साहब का जो चरित्र है, उसका जो किरदार है वो उनके अंदर भी समा गया है और देव साहब जिसके अंदर चले जाते हैं वो निकलते नहीं। तो मैं चाहूंगा कि देव साहब का जो जीवन के प्रति लगाव था, जो जिस तरीके से अभी सुराना साहब ने कहा कि वो बहुत पैशनेट थे, तो पैशन सिर्फ तो सिनेमा के लिए नहीं थे, वो जीवन के प्रति बहुत पैशनेट थे और वो सिनेमा को जीवन से अलग अलग देखते नहीं थे। उनको एक ही लगता था कि जीवन भी सिनेमा का हिस्सा है और सिनेमा में जीवन भी है, तो दोनों को उन्होंने एकाकार कर दिया था। मैं चाहूंगा कि उनका जो ये पक्ष था, इस पक्ष पे एक बार अशोक मल्होत्रा जी वो आए और वो अपनी नजर से एक बार डिफाइन करने की कोशिश करें देव साहब। अशोक जी क्या मेरी बात पहुंच रही है अशोक जी तक? या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और पैनलिस्ट को शामिल करें। मैं तो अवेलेबल हूं जी। जी तो बस आप ही को मैंने, लेकिन मेरी मेरा वीडियो नहीं सामने आ रहा है। आप दिख रहे हैं सर? आप बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, तो आप शुरू करें। ठीक है तो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो देव साहब के हम फैन तो हैं, आपने सही कहा था, और देव साहब का फैन कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो उसमें अपने आप में स्पेशल कुछ होनी चाहिए, और कोई आम आदमी उसका फैन बन जाए देव साहब के तो आम रहता नहीं, वो बहुत जल्दी उनकी पर्सनैलिटी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव और फिलोसफी लेके आता है कि वो स्पेशल बन ही जाता है। तो हम मतलब उनकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं दो पैनलिस्ट पहले से पहले, तो जब उनकी पिक्चर नहीं चल रही थी और जितनी पिक्चर जब चल गई उनकी बहुत अच्छे से, वो अशोक कुमार से जब मिलने गए थे तो उनसे जब उन्होंने हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते हुए वो हाथ नहीं छोड़ रहे थे उनका, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मतलब इतने बड़े एक्टर और अभिनेता अशोक कुमार जो उनका फेवरेट हुआ करता था अपने जवानी के दिनों में, उनसे हाथ मिला रहा हूँ। तो खैर बाजी इतनी सक्सेसफुल हुई। इसी बीच में चेतन साहब जो थे उनके पास काम नहीं था, नीचा नगर पिक्चर को अवार्ड तो मिल गया था लेकिन उनके पास काम नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी कंपनी शुरू की जाए, तो उन्होंने नवचेतन का 1949 में फॉर्म किया दोनों ने मिलके, और तब तक SD बर्मन भी उनके साथ मतलब कॉन्टैक्ट में आ चुके थे, तो उनको भी लेके उन्होंने अफसर बनाई जो पिक्चर नहीं चली, लेकिन उनकी जो पैशन फॉर फिल्म्स थी तो वो एक आध पिक्चर के कहीं मतलब चलने नहीं चलने थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसके बाद उन्होंने कुछ सोचा कि डिफरेंट टाइप की पिक्चर बनाई जाए, तो जैसे पहले पैनलिस्ट बता चुके हैं बलराज सानी और गुरुदत्त जी वगैरह से उनकी जो मुलाकात थी, तो गुरुदत्त जी को मौका दिया गया बजाय चेतनानंद के, और सचिन देव बर्मन भी नेचुरली म्यूजिक डायरेक्टर रहे। तो बाजी ने सिर्फ
वो एक अलग टाइप की पिक्चर थी, उसमें उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। उसमें कुछ हीरो का करेक्टर कुछ और टाइप जो है, मतलब नेगेटिव टाइप था, उसके पिक्चर के गाने होटल टाइप कुछ कैमरे टाइप थे, म्यूजिक भी उस पिक्चर में मतलब आए नहीं, तो जनरली साइगल मुकेश टाइप गाने उस टाइप के हुआ करते थे। तो बिगड़ी हुई तस्वीर से आज तकदीर बना ले, जरा जो गाने उसके डिफरेंट टाइप के थे एसडी बर्मन के, उन्होंने मतलब उस पिक्चर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो पिक्चर बहुत चली वो, इससे उनकी और हिम्मत बढ़ी। लेकिन उसके बाद की पिक्चरें तो नहीं चल पाई, आंधियां और हम सफर। इस बीच में गुरुदत्त जी ने उनको जाल में लिया था, तो मैं एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदत्त जी ने अपना वादा ठीक से पूरा नहीं किया था उनको अपनी पिक्चर में लेने का, तो जाल एक्चुअली गोस्ट प्रोड्यूस्ड बाई गुरुदत्त ही थी, उसका पैसा और सब कुछ उन्होंने ही लगाया था, अभी भी उसका राइट उनकी उनकी फैमिली के पास है। तो जाल भी एक डिफरेंट टाइप की पिक्चर थी, वो भी वायर कैटेगरी में आती है। आज तक उसके गाने इतने अच्छे हैं कि मुझे आप भूल नहीं सकते, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। तो इसके बाद जब टैक्सी ड्राइवर का मौका आया तो वो पिक्चर मतलब दो टैक्सीज में ही मतलब पूरी ज़्यादातर शूट की गई थी, और उसकी एक टैक्सी के ऊपर चेतन साहब और गिरत्रा जी अपना कैमरा लेके बैठते थे और पूरी मतलब बॉम्बे की सड़कों में घूमा करते थे। और उसकी कास्टिंग में आपने देखा होगा, कास्टिंग आने के बाद उसमें लिखा हुआ था एंड सिटी ऑफ बॉम्बे, मतलब बॉम्बे को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी कि आज तक किसी पिक्चर में इस तरह की वो कास्टिंग नहीं यूज की गई। तो टैक्सी ड्राइवर बहुत चली, एस डी बर्मन को भी उसमें बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिल गया, जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसके बाद फिर उन्होंने पंतोष हाउस नंबर 44 बनाई, तो तब तक चेतन साहब अपनी कुछ अलग दिशा में थे, उनको उनको लगा कि देव बाब मतलब बड़े स्टार बन गए और उनकी म्यूजिक और पिक्चरों के प्रति उनका कॉन्सेप्ट अलग था, तो उन्होंने अपने आप को फिर नवकेतन से अलग किया। तो तब तक 20-22 साहब के गोल्डी विजयनंद साहब चले आए और 9-11 से उन्होंने अपनी पिक्चर की शुरुआत की। वो पिक्चर उनको कैसे डायरेक्शन में मिली इसके बहुत अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने पूरी मतलब यही जिद कर दी थी कि यह कहानी और स्क्रिप्ट मैं तभी दूंगा जब मुझे इस पिक्चर को डायरेक्ट करने दोगे। तो ये डिसाइड हुआ था कि पहले मतलब कुछ उसकी एक दो रील तुम मतलब शूट करके दिखाओ, तो तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें एक्सपीरियंस है नहीं। तो गोल्डी ने जो सबसे मुश्किल पार्ट था उसका क्लाइमैक्स, जो कि लाइव क्लाइमैक्स था 10 मिनट है, तो 10 मिनट पूरा उसको दिखाया था उसने, उसने सबसे पहले उसको शूट किया, उसके बाद इन सबको पिक्चर दिखाई गई। तो मतलब दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो उस टाइम से विजयनंद जी आ गए और ये देवानंद और विजयनंद की ऐसी जोड़ी बनी कि इट वॉज अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, और इसको कोई बीट करने वाला नहीं था, ना ही आगे कर पाता जब तक दोनों अलग नहीं हो गए। तो दोनों अपनी अपनी राह पे चल गए, और जिस राह में दोनों बहुत परफेक्ट नहीं थे, देव साहब ने डायरेक्शन की, अच्छी पिक्चरें दी हैं, डायरेक्शन अच्छी की, विजयनंद का भी ध्यान ज़्यादा एक्टिंग की तरफ हो गया, तो वो भी उसमें अच्छे एक्टर थे लेकिन वो उतने नहीं थे मतलब जितना डायरेक्शन में माहिर थे। तो अब मैं कुछ अपने पे आता हूँ, जहाँ तक हमने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों को कवर किया, मैंने सबसे पहले पिक्चर जो है आप बता रहे थे 4-5 दशक वाली, तो CID पिक्चर पिक्चर हॉल में मैंने देखी थी, क्योंकि अपना जब हम 8-9 साल के रहे होंगे शायद, या 1 साल इससे भी छोटे, उसके पहले आपके साथ कुछ पिक्चरें देखी थी जैसे अनारकली, कुछ झांसी की रानी या चक्रधारी टाइप। तो ये CID पिक्चर देख के हमें मतलब बड़ा वो लगा कि ये तो पिक्चर भी अलग है और ये एक्टर भी बाकी एक्टरों से, इसका बोलने का चलने का, इसका पफ तब तक बन चुका था और इनकी हर लहजा अलग है, उनकी पर्सनैलिटी से ने इतना हम पे असर किया कि हम उस दिन से ही 8-9 साल से ही हमें लगा कि यही एक्टर हमारे मतलब आइडियल है। इसके बाद पेइंग गेस्ट का जिक्र अभी बुद्ध साहब कर चुके हैं, उसके बाद पेइंग गेस्ट देखी थी, वो तो खैर बहुत ही चली थी और गाने म्यूजिक भी उसका बहुत बढ़िया था। तो उन्होंने चाहे पिक्चर नवकेतन की हो या बाहर की, लेकिन उनका जो फिल्म में काम करने का जज्बा है वो एक जैसा ही रहता था, और उनको अपने आप पे इतना विश्वास था अपनी एक्टिंग पे और अपनी मेकिंग पे, तो वो कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये नहीं कहते थे कि तुम इस मेकअप डायरेक्टर को लो या इस हीरोइन को लो या उससे काम नहीं करो, उनको अपने आप विश्वास था कि जब तक देवानंद है तो पिक्चर में जो कुछ मतलब लोग देखने आएंगे फैन बन के, उनकी मेन नज़र देवानंद पे रहेगी। तो
इसलिए उन्होंने बहुत सी हीरोइंस के साथ काम किया। हालांकि आर डी बर्मन ने मैक्सिमम म्यूजिक दिया है उनकी पिक्चरों में, लेकिन बाकी सभी म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं उनके साथ। तो इसके बाद पिक्चरें उनकी लव मैरिज आई, वो भी अच्छी चली। काला पानी फिर राज कौथला जी को, जो पहले 16 साल डायरेक्ट कर चुके थे, उसके पहले उन्होंने देव साहब को लेके मिलाप पिक्चर बनाई थी, वो भी अच्छी थी लेकिन चल नहीं पाई थी। ये राज कौथला जी की एक बात बताना चाहूँगा, उनकी डायरेक्शन में पहली 5 पिक्चरों के हीरो देवानंद थे। ये शायद और किसी डायरेक्टर पे मतलब ये लागू नहीं हो सकती। उन्होंने पहली 5 पिक्चरें जो डायरेक्ट की हैं अपनी हिंदी फिल्म, उसमें हीरो देव साहब ही थे। उसमें 5वीं पिक्चर बम्बई का बाबू थी, तो हालांकि ज़्यादा चली नहीं लेकिन पिक्चर वो डिफरेंट टाइप की थी और उसकी डायरेक्शन और उसका हीरो का रोल, वो शायद एक बहुत मुश्किल काम था। एक हीरो है जिसको अपनी इमेज रोमांटिक भी दिखानी थी और वो एक्चुअल में उसको भाई समझती है हीरोइन, तो उसको एक ऐसा बैलेंस बना के रखना था एक्टर और डायरेक्टर को कि ना तो ज़्यादा वो रोमांटिसिज्म हो और ना वो भाई बहन की पिक्चर लगे। ये एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, लेकिन पिक्चरें उनकी बहुत टाइम से पहले होती थी जी। वो ज़्यादा मतलब पिक्चर तो नहीं चली लेकिन आज भी लोग याद करते हैं और पिक्चर देखते तो एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम दोनों धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम और भी पैनलिस्ट को इसमें शामिल करते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात अभी अशोक जी ने बहुत अच्छी बातें की। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट आरा खत्म कर दूंगा बस, फिर कलर पिक्चर पे मेरा ख्याल नेक्स्ट जो यंग पैनलिस्ट हैं वो, क्योंकि बाद की पिक्चर है उसमें वो ज्यादा बोल पाएंगे। तो इसके बाद हम दोनों भाई, उसमें उनका डबल रोल ऐसा था कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं तो जनरली जुड़वा भाई होते थे जो मेले में कुंभ के कहीं गुम हो गए, आखिरी में मिलते आके, तो इसमें बड़ी नेचुरलिटी थी जो बाई चांस उनके फेसेस मिलते थे और दोनों की एक्टिंग और पर्सनैलिटी में काफ़ी डिफरेंस रखा गया था। और वहीं से उन्होंने अपनी वो जिंदगी की फिलोसफी वाला गाना था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इसी बीच में उनकी माया और असली नकली और पिक्चरें आई, फिर 3 देवियाँ आई, वो भी पिक्चर काफ़ी अच्छी थी। 3 देवियाँ भी बहुत चली और वो देव उनका नाम असली नाम भी मतलब जो था वो इस पिक्चर में यूज किया गया था। तो इसके बाद जो है वो कलर पिक्चरों का दौर शुरू हुआ, गाइड से शुरू हुआ और गाइड के लिए अगली पैनल 3 में है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अब जो नेक्स्ट है वो कलर पिक्चरों का जूल थीप से शुरू करके आगे की बात करें। थैंक यू। मैं जो भी पैनलिस्ट अभी शामिल होने वाले हैं उनसे ये जरूर इल्तिजा करूंगा कि बजाय उनकी फिल्मों की सारे नाम लेकर उस फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम किया, हम सबको पता है कि वो बहुत कमाल के अभिनेता थे। और स्टाइलाइज्ड एक्टिंग की अगर हम बात करें, एक एक्टिंग जिसमें एक सर्टेन स्टाइल था, जिसमें एक फ्लैम्बोयंस था, तो डेफिनेटली वो शुरुआत अगर किसी ने की है भारतीय सिनेमा में तो वो देव साहब थे। और दूसरी तो जो सबसे कमाल की बात मुझे लगती है कि हम 40 के दशक की शुरुआत की बात करें तो उस दशक के आखिरी में 3 अभिनेता भारत में सबसे ज्यादा शिखर की तरफ बढ़े। एक राज कपूर साहब थे जो एक भारतीय जनमानस का एक ऐसा सीधा भोला भाला चेहरा था जो जिंदगी की तमाम परेशानियों से घिरा होने के बावजूद भी जो बुनियादी ईमानदारी है उसको हमेशा अपने कलेजे के साथ चिपका के रखता है, वो राज कपूर था। गणेश साहब एक दर्द के दरिया में उतरने वाला एक ऐसा शख्स था जिसके आसपास बहुत गम था और उस गम को उसने अपने दिल के अंदर उतार लिया था और वो कई बार जिंदगी से हार भी जाता था। ये शायद दिलीप साहब का मूल चरित्र था, उनकी ज्यादातर फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाई देते हैं। वहीं जो देव साहब का करेक्टर था वो पूरी तरीके से जिंदगी से भरा हुआ, जिंदगी से भरपूर जिजीपशा वाला और एक ऐसा स्टलाइज एक्टर था जिसको देखने के बाद आप वैसा बनना चाहते थे। हॉल से निकलने के बाद अगर ये देव साहब की फिल्म है और आप हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो लड़कियां वो शाम को आईने में देखती थी तो उनको लगता था कि काश कोई देव साहब जैसा लड़का उनकी खूबसूरती को निहार सके, उसकी तारीफ कर सके। और हर लड़का अगर किसी फिल्म में देव साहब ने कैप लगाई है तो अगली सुबह ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़कों के स्तर पे कैप दिखाई देती थी क्योंकि ये देव साहब का प्रभाव था, लोग उनके जैसा देखना चाहते थे। तो बहुत ट्रांसफॉर्म किया अगर मैं कहूँ भारतीय यूथ को तो ये गलत नहीं होगा। और धीरे धीरे हम दूसरे पैनलिस्ट की तरफ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 जो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट अभी मल्होत्रा साहब ने कही कि जो जाल फिल्म थी और जो बाजी फिल्म थी, इन 2 फिल्मों ने मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा के पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इससे पहले जो फिल्में बनती थी उनके जो मूल विचार थी वो बहुत भारतीय विचार था,
लेकिन जाल पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें कोई हीरो जो प्रोटैगनिस्ट है उसने एक एंटागोनिस्ट का काम किया, उसने एक विलन का काम किया, उसने एक ऐसे किरदार को चुना जो पूरी फिल्म में नेगेटिव दिखाई देता है और आखिरी में वो कहीं हीरो के तरीके से पॉजिटिव नजर आता है। तो अगर मैं एंटागोनिस्ट की शुरुआत की बात करूं तो भी शायद वो देव साहब के साथ ही रही है। और टैक्सी ड्राइवर का भी जिक्र किया मल्होत्रा साहब ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्में स्टूडियो से बाहर शूट होने लगी। उसके पहले लगभग 20 साल का जो इतिहास रहा है वो सारी फिल्में स्टूडियो के अंदर एक सेट पैटर्न पे एक पीछे सेट बनाकर शूट हुआ करती थी, लेकिन देव साहब को लगा कि नहीं, हमको सिनेमा को ज्यादा सच्चाई के करीब ले जाना है। और जिस तरीके से अभी मल्होत्रा साहब ने बताया कि फिल्म के एंड में जब क्रेडिट आता है तो उसमें मुंबई और बॉम्बे का भी क्रेडिट होता है, जिसमें मुंबई अपने आप में सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक किरदार, तो कोई शहर किस तरीके से किसी सिनेमा का किरदार हो सकता है, इसका भी बेस्ट एग्जांपल टैक्सी ड्राइवर थी और देव साहब थे जिन्होंने इस पूरी सिनेमा के पैटर्न को चेंज किया। अब मैं चाहूंगा इस पूरी फेस्टिवल की जान एक ऐसा शख्स जो शायद जमीन के अंदर गढ़कर, मैं कहूंगा नींव के पत्थर के तरीके से, इस बुलंद इमारत को बनाने की और इसको सजाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम कामरा साहब है। उन्होंने फेस्टिवल की कल्पना आज से 5 साल पहले की और धीरे धीरे ईंट दर ईंट इसकी इमारत को बुलंद करते गए। मैं चाहूंगा चूंकि आज ये सौभाग्य है कि वो भी इस पैनल में शामिल है और हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज देव साहब के बारे में, उनके जिंदगी से प्यार के बारे में, उनके जिंदगी से पैशन के बारे में और सिनेमा से पैशन के बारे में वो कुछ बातें कहें और फिर हम अपने आखिरी पैनलिस्ट जो युवा पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। और जो कलर फिल्म जिसका जिक्र अभी मल्होत्रा साहब ने किया उसमें देव साहब एज एन एक्टर और एज एन निर्देशक, एज एन डायरेक्टर कैसे थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं कामरा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि देव साहब की शख्सियत और जिंदगी से उनकी मोहब्बत के बारे में कुछ बातें कहें। विनाश जी, एक डॉक्टर धर्मवीर भारती की बुक है कनुप्रिया, कनुप्रिया में वो कृष्ण के बारे में, राधा क्या सोचती है उसके बारे में उन्होंने सारी पोएम्स लिखी। तो उनमें से एक पोएम है जो मेरे दिल के काफी करीब थी, जिसका नाम था शब्द शब्द शब्द। तो मैंने जब 2014 में इस बात की शुरुआत की थी और हमने जो उस दिन डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री की, उस एवी की शुरुआत उस पोएम से की थी, जिसमें कनुप्रिया यानी राधा कृष्ण को कह रही है कि कर्म धर्म स्वधर्म, इतने बड़े बड़े शब्द अर्जुन को समझ में आते होंगे, मुझे नहीं समझ में आते तेरे इतने बड़े बड़े शब्द, मेरे को तो तेरे होंठ दिखते हैं, मुझे तेरी ये बाहें दिखती हैं, मुझे ये तेरा चेहरा दिखता है, मुझे ये तेरी बांसुरी दिखती है। मैं उस तरफ लेके जा रहा था बात को कि देव साहब के साथ भी मेरा जो पैशन था वो इसी प्रकार था। मुझे शायद जब देव साहब का शौक पड़ा तो शायद फिल्मों के बारे में कोई ऐसी समझ नहीं थी, लेकिन वो अच्छे लगते थे, उनकी बातें अच्छी लगती थी, उनका अंदाज अच्छा लगता था और धीरे धीरे वो किस तरह से मेरे जनमानस में समा गए ये मुझे भी पता नहीं चला। तो मैं सिर्फ आज इस बात से ही शुरू किया है और इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मुझे देव साहब से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और 100 साल तक रहेगी। क्या बात, थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत कमाल की बात कही, अपने कनुप्रिया का जिक्र किया, आपने देव साहब के बारे में कहा कि मुझे देव साहब से मोहब्बत है थी और रहेगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिसने देव साहब की कोई भी एक फिल्म देखी है, जिसने देव साहब के चलने के अंदाज को देखा है, जिसने देव साहब की जिंदगी में उनकी जिजीषा भरी फिलॉसफी को देखा है, वो देव साहब से मोहब्बत करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा बचता नहीं। आप देव साहब को, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप उनको ना इग्नोर कर सकते हो, ना उनको हेट कर सकते हो, आप देव साहब को सिर्फ मोहब्बत कर सकते हो। ऐसा करिश्मा अगर हिंदुस्तान में किसी एक अभिनेता के पास रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ देव साहब रहे हैं। अब इस कड़ी में मैं आखिरी उस शख्स को दावत देना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि जिसने अभी पिछले कुछ दशक से शायद देखा होगा, जो युवा है, जो सिनेमा के प्रति उनका लगाव तो है ही, बट उतना अनुभव जितना हमारे बाकी पैनलिस्ट, मैं उम्र के हिसाब से अनुभव को जोड़ के देख रहा हूँ,
उतना अनुभव नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिसने देव साहब को प्यार किया, जिसने देव साहब के उतरते हुए दिनों को भी शायद बहुत करीब से देखा होगा, एक ऐसा सूरज जिसके बारे में कहते थे जो शायद कभी डूबता नहीं है, देव साहब एक ऐसे शख्स थे कि जब उनकी डेथ होने का वक्त आया या उनको लगा कि शायद मैं अब जिंदगी से दूर जाने की शायद तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वो हिंदुस्तान छोड़ के लंदन चले गए और वो शायद अपने अपने लोगों के बीच अपनी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी जिंदगी इतनी खूबसूरत रही है कि वो अपनी खूबसूरती को इंटैक्ट रखना चाहते थे, वो जो इमेज थी उसको भी इंटैक्ट रखना चाहते थे। मैं तपन पाटनी जी को उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए, और मैं गाइड से चाहूंगा कि गाइड वो ऐसी फिल्म थी जिसने देव साहब को एज एन एक्टर भी बहुत हद तक इस्टेब्लिश किया। उसके पहले कई बार इस तरह की बात भी कही जाती थी कि देव साहब एक बड़े स्टाइलाइज किस्म के कलाकार है जो एक्टिंग में तो है माहिर, लेकिन उससे ज्यादा उनका जो स्टाइल है वो ज्यादा बहुत अपेरेंट दिखाई देता है। लेकिन गाइड ने इन सारे मिथ को तोड़ दिया। गाइड ने बताया कि देव एक ऐसा कलाकार है जो किसी भी किरदार की स्किन में घुसने में भी उतनी ही महारत रखता है जितने शायद दरिश साहब रखते हैं या राज साहब रखते हैं। तो इस गाइड ने परसेप्शन चेंज किया और गाइड ने देव साहब को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में भी स्थापित किया। और जहां तक डायरेक्टर की बात करें गोल्डी आनंद, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे कमाल फिल्म गोल्डी आनंद की है और भारतीय सिनेमा के लिए अगर 5-7 सबसे अच्छी फिल्म जो अपने आप की मोस्ट कंप्लीट फिल्म है, मुकम्मल फिल्म है, तो गाइड फिल्म है। मैं चाहूंगा कि तपन वहीं से शुरुआत करें गाइड से और उनकी पूरी यात्रा जो उनके जिंदगी के आखिरी क्षणों तक जारी रही है उसके बारे में एक बात बताएं और उनके जिंदगी से प्यार को भी कहीं ना कहीं उनके सिनेमा के साथ जोड़ते हुए भी जरूर बताएं। तपन जी शुक्रिया। मेरा आपने सही एकदम सही कहा, हम उस जनरेशन से जिन्होंने देव साहब को थिएटर में देखा ही नहीं है, शब्द देव साहब नहीं थे उसके बाद हम पैदा हुए थे, मगर बचपन में पता चित्रहार बहुत आता था डीडी नेशनल पर, सुबह सुबह 8 से 9 गाने बजते थे, उसमें गाइड के गाने बहुत सुनता था तो बहुत छोटा था। उसके बाद गाइड देखने का मौका मिला, मैं देवानंद साहब को गाइड से ही जानता हूँ शुरुआती दिनों में, जैसे जैसे बड़े हुए स्कूल जाने लगे कॉलेज में आए तब देव साहब की पुरानी फिल्में देखना शुरू हुआ। टैक्सी ड्राइवर एक वो फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर। अगर आप टैक्सी ड्राइवर को पूरी तरह से देखें तो वो फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन टेक्निकली बहुत एडवांस थी उस जमाने को देखें तो, अगर इन टर्म्स ऑफ सिनेमा प्रोडक्शन देखें, सिनेमाटोग्राफी देखें, परफॉर्मेंस देखें, फिर देव साहब की असली नकली मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे वो दौर आया जब देव साहब की जो फिल्में फ्लॉप होने लगी थी वो सारी फिल्में मैंने देखी, क्योंकि वही फिल्में अवेलेबल थी जो ज्यादा टीवी पर आती थी, पुरानी फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे जब ये 90s का दौर खत्म हुआ, जब डीवीडी और सीडीज आने लगी, तब मैंने सारी देव साहब की फिल्में पुरानी रिविजिट करी। जो मैंने देव साहब को देखा है ना बचपन में, जब हम स्कूल जाते थे तब देव साहब का एक जो ऑरा था ना वो हमारे बीच उतना ही था, मतलब आप जिस जनरेशन के हैं हम उसके जनरेशन के कम से 50 साल बाद हैं, लेकिन ऑरा वैसे के वैसे ही है। आज भी अगर कोई यंग जनरेशन होगा ना तो देव साहब को उतना ही फॉलो कर रहा होगा, उनका स्टाइल, उनकी बात करने की कला, उनका अभिनय। और गाइड मेरे हिसाब से अब देखें ना तो गाइड एक वो फिल्म है जो शायद सिनेमा को बांधती है प्री गाइड एरा और पोस्ट गाइड एरा। हम उसे शोले को हम गिनते के एक बेंचमार्क है, मेरे लिए गाइड सबसे बड़ी बेंचमार्क है। सिर्फ एक्टिंग को अगर ना देखें तो परफॉर्मेंस वाइज, गाने, डायरेक्शन, जो देव साहब ने गाइड में काम किया है वो शायद आज भी कोई जनरेशन में एक्टर नहीं कर सकता। उन्होंने उस किरदार को ऐसा जिया है राजू गाइड को कि शायद आज कोई भी एक्टर, शायद उस जमाने में राज कपूर भी या दिलीप साहब भी वो किरदार को नहीं जी सकते जो देव साहब ने जिया है। आज भी अगर देखें तो बेंचमार्क फिल्म रहेगी। उसके बाद उनकी असली नकली है या फिर और भी फिल्में हैं जो एक तरह का बेंचमार्क है। मेरे लिए एज अ न्यू जनरेशन देव साहब हमेशा एक एपिटॉम रहेंगे एक्टिंग का और स्टाइल का। उनका स्टाइल आज भी शायद कॉपी करते हैं काफी सीन्स में, बच्चन साहब ने भी थोड़ा बहुत कॉपी किया है, इवन शाहरुख खान भी कई बार कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं, कर तो नहीं पाते हैं। जो एक अदायकी है उनकी रोमांटिसिज्म में वो देव साहब को बहुत कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कर नहीं सकते। मेरे लिए देव साहब हमेशा वही रहेंगे ये जनरेशन को देखिए। और तुम क्या बोलूंगा लेकिन ये बहुत बहुत आपने, आज कोई भी कलाकार कोशिश करता है कहीं ना कहीं आपको आज के कलाकारों में भी, अगर हम अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं राजकुमार राव में भी आपको देव साहब की झलक मिलती है, कोशिश करते हैं उनको एडेप्ट करने। तो मुझे लगता है कि उनका जो एक लेगेसी है वो लेगेसी आज भी हम एक्टर्स उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे। उसे छोड़ के गए ना वो कभी दोबारा नहीं आ सकता, तो वो एक बेंचमार्क बना के गए इंडस्ट्री में। बहुत अच्छी बात तपन जी ने कही कि जो आज भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कहीं ना कहीं देव साहब जैसा होने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको इश्क करना है और अपने इश्क को पर्दे पे दिखाना है तो आपके जिस्म में, आपके किरदार में, आपके रूह में कहीं ना कहीं देवानंद का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर आपको पर्दे पे स्टाइल दिखाना है
तो आपकी शख्सियत में कहीं ना कहीं देव साहब का होना जरूरी। ये वो चीजें हैं जो देव साहब ने मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा का रेफरेंस पॉइंट बना दिया, और लोगों को जब भी लगता है कि उनको टाइल देखना है, कोई एक्टर कितना स्टाइलिश हो सकता था, तो वो रेफरेंस पॉइंट देवानंद है। वो देवानंद की फिल्म को जाते हैं, रिविजिट करते हैं, उनको लगता है कि स्टाइलिश उसको कहते हैं। उनको अगर ये देखना होता है कोई इंसान कितना पॉपुलर हो सकता है, उसकी दीवानगी किस हद तक हो सकती है, उसके किरदार में कितनी मोहब्बत भरी जा सकती है, तो वो देव की फिल्म देखते हैं। उनको लगता है कि कोई इश्क और मोहब्बत रोमांच से भरा अगर कोई शख्स हो सकता है, तो उसका जो एपिटोम है वो देव साहब हो सकते हैं। हम लोगों ने आज बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ मुद्दों पर बात की, और मुझे लगता है कि पूरी तस्वीर देव साहब की खिंच गई हमारे जहन में भी, और मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रोग्राम को जब भी लाइव देखेंगे वो तुरंत एक कैरिकेचर, एक रेखा चित्र, एक पिक्चर देव साहब की खिंच जाएगी। और जिन्होंने देव साहब की फिल्में किसी भी वजह से आज तक नहीं देखी है, वो दोबारा रिविजिट करेंगे और देव साहब की कुछ फिल्मों को देख कर कहीं ना कहीं अपनी शख्सियत में, अपनी जिंदगी में देव को लेकर आएंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनकी जिंदगी ज्यादा जिंदा दिल हो जाएगी, उनकी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, उनकी जिंदगी को जीने का जो तरीका और लहजा है कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट ने अपनी बात कह दी, फिर भी अगर कोई बात किसी पैनलिस्ट को लग रहा है कि कहीं कुछ छूट गया, अशोक जी हमारे बीच में है। और जी 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 जरूर जरूर जरूर। ऐसे है कि आपने दो तीन बार जिक्र किया है कि देव साहब की डायरेक्शन का और कलर पिक्चरों का बाकी, लेकिन उस मुद्दे को ज़्यादा किसी ने टच नहीं किया, तो अगर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दें तो मैं मतलब कुछ उस दौर की 5-6 मिनट में कुछ बात कह दूं उनके डायरेक्शन और उस टाइम फिल्मों में कुछ जो इंसिडेंट है उनका जरूर जिक्र करें। फिल्मों के ज्यादातर नाम और सारी चीज़ों को तो हम जानते हैं, नहीं नाम नहीं लेंगे। गाइड का जैसे आपने शुरू किया तो करंट पिक्चर उनकी पहली गाइड थी, तो गाइड में उसमें एक तो उनका एज ए राजू गाइड का रोल है, और दूसरा जब हिदा से उनका रोमांस होने लगता है, तेरे मेरे सपने एक रंग हैं, फिर वो गाता रहे मेरा दिल, और तीसरा वो स्वामी बनने का, तो ये तीनों टाइप के रोल हैं। इसमें आपको 3 एक्टर चाहिए थे अगर आपको किसी और एक्टर को लेना होता तो, ये सारी तीनों चीज़ें किसी एक एक्टर में आपको नहीं मिल सकती थी। तो और लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि देव साहब इस तरह की एक्टिंग इस पिक्चर में कर देंगे, इसलिए जब ये पिक्चर शुरू में आई तो एकदम से हिट नहीं हुई थी, लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जब इसका प्रीमियर भी हुआ था April 66 में, तो जितने लोग पिक्चर देख के निकले उनके जो VIPs थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल साइलेंटली बात कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था। और जैसे जैसे समझ आई पिक्चर उछलती गई। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2017 में एक साउथ इंडियन लड़की है सुचित्रा कृष्णन, उसने अपनी एक 2 लाइन की स्टेटमेंट दी है, उसको मैं आपको बताता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। वो अपने घर में कहती, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, आजकल के लड़कों में वो बात नहीं है जो देवानंद में थी, तो मैं बहुत हैरान होती थी, लेकिन अब मैंने गाइड पिक्चर देखी है तो आफ्टर व्यूइंग गाइड आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट फिनोमिनन इज कॉल्ड देवानंद, आई वॉज जस्ट स्टंड। बिल्कुल वो एक फिनोमिनन का नाम है देवानंद, सिर्फ एक मतलब एक्टर का नाम नहीं है, उन्होंने हर चीज अपने में उसको समा के रखी हुई थी, उनका जो भी स्टाइल है वो भी अलग रहता था। अभी आपने रेफरेंस पॉइंट की बात की है, तो जहाँ तक हमने मतलब उसकी जानकारी है, जोल कीप का प्रीमियर कलकत्ता में हुआ था, तो वहाँ पे सत्यजीत रे भी थे उसको इन्वाइटेड, वो भी पिक्चर देख रहे थे, तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी पिक्चर देख ली, खत्म होने वाली थी तो उठ के बाहर गए वो हॉल से, तो पीछे पीछे विजयनंद साहब भी चले गए, तो पता नहीं क्या बात है बोलो ये उठ के चले गए हैं। तो विजयनंद जी ने पूछा आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा गोल्डी कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है तुम्हारी पिक्चर से। तो गोल्डी को लगा शायद ये गाइड की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यू मीन गाइड, बोले नो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फिल्म। तो इस पिक्चर में जो तुमने अपना स्क्रिप्ट और एडिटिंग और डायरेक्शन दिखाई है, अगर मुझे कभी इस तरह की सस्पेंस पिक्चर बनानी हुई देन जूल थी विल बी माय रेफरेंस पॉइंट। इतनी जबरदस्त देव साहब का आपने देखा होगा जूते उतारने का और मोजे उतारने का स्टाइल, वो बोलते हैं कि मोजा फटा हुआ ना हो, और ये सारी चीजें डायरेक्टर नहीं बता सकता, ये उनकी अपनी इन्वेंशन हुआ करती है। पाए की बजाय वो दाया पैर पहले खोलने लग जाते हैं, ये इंसिडेंट। और पिक्चर उन्होंने जब डायरेक्ट करनी शुरू की तो हालांकि प्रेम पुजारी ज्यादा नहीं चली, लेकिन हरे राम हरे कृष्णा एक नया कॉन्सेप्ट था, हर समय पिक्चर पैशन उनके दिमाग में घूमता रहता था, जो चीज नहीं देखते थे
कहीं मार्केट में न्यूज पेपर में उनको बहुत शौक था पढ़ने का, उसी कॉन्सेप्ट को लेके वो कोई ना कुछ को डेवलप करते थे। ऐसे ही वहाँ नेपाल गए थे तो हरे रामा उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई, जब वहाँ पे उन्होंने देखा एक लड़की है वो ऐसे ही मतलब गाती करती आधे कपड़ों में और सब अपना हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो पिक्चर बना दी उन्होंने। तो भाई बहन का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हीरा पन्ना देखेंगे वो लगती नहीं मतलब कि ये इंडियन फिल्म है, इतना जस्ट लाइक ए फॉरेन फिल्म, उसमें सब कुछ अलग टाइप से उसमें दिखाया गया था। और देश प्रदेश मतलब बिल्कुल नए आइडिया पे थी जो कि आपको अब भी रेलिवेंट है इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। तो अब टाइम की कमी है इसलिए ज्यादा आगे नहीं लेते। तो लास्ट मैं सीधा चार्जशीट पे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस दिन उनकी डेथ हुई लिखा था द यंगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया पासिंग अवे। ये मतलब कितनी बड़ी सेक्टर को ट्रिब्यूट थी। और चार्जशीट का जिस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिव्यू किया उन्हें तीन लाइन लिखी थी सिर्फ, ये दिस पिक्चर डज नॉट नीड टू बी रिव्यूड, इट इज एनफ दैट ए पर्सन एट 88 ईयर्स ऑफ एज इज मेकिंग ए फिल्म, दिस इज माई ट्रिब्यूट। तो ऐसे थे हमारे देव साहब और वो चाहते थे कि मेरा इमेज बना रहे मेरे दर्शकों के साथ और मैं उनके मेरा प्रोसेशन और ये ना हो, जो आपने अभी बात कही शायद इसलिए वो लंदन चले गए और वहीं जाके उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और देव साहब कभी मर नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, ये वो फिनोमिनल एक कॉन्सेप्ट थे, एक मतलब यादगार है जो अभी तक चौथी जनरेशन को मानती है और आगे भी जब तक पिक्चरें बनती रहेंगी तब तक गाइड देव साहब का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। धन्यवाद अशोक जी ने बहुत आपने अच्छी बात कही कि देव कभी मरा नहीं करते, क्योंकि देव कोई अभिनेता का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, देव एक फिनोमिना है, देव एक दर्शन है, देव एक फिलोसफी है, देव एक जीवन शैली का नाम है, जीवन को एक खास तरीके से जीने का नाम देवानंद है। और बहुत अच्छी चर्चा हुई इसमें गाइड का जो जिक्र हुआ, मैं इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि गाइड शुरुआत में बेसिकली हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी और उस जमाने की बहुत मशहूर नोबेल लॉरेट पॉल बक्स बेसिकली इस फिल्म को बना रही थी और शुरुआती जो फिल्म बनी है वो इंग्लिश में बनी है और फिर फिल्म से बहुत प्रभावित होके गोल्डी आनंद ने उसका इनाइजेशन किया, उसको एक तरीके से भारतीयकरण करने के बाद उनको लगा कि ये फिल्म भारतीय दर्शकों को जरूर सौंपनी चाहिए, मैं ये कहूँगा बनानी नहीं चाहिए क्योंकि वह फिल्म अपने आप में मास्टरपीस है। और जैसा हमारे कई पैनलिस्ट ने कहा कि गाइड रेफरेंस पॉइंट हो सकती है, आफ्टर और प्री गाइड से हम सिनेमा को आंक सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। गाइड अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जिसके गानों के पिक्चराइजेशन को ले अगर हम देखें तो वैसा खूबसूरत पिक्चराइजेशन किसी भी फिल्म का एटलीस्ट उस दौर में नहीं हुआ जैसा गाइड को पिक्चराइज किया। और गोल्डी महारत इसमें हर हासिल करते थे और जो जिक्र किया सत्यजीत रे और गोल्डी आनंद की बातचीत का भी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इवन कि अगर आप तीसरी मंजिल फिल्म देखें जिसमें शुरुआत में देव साहब एज एन एक्टर होने थे, बट किसी वजह से नासिर हुसैन साहब जो प्रोड्यूसर थे और देव साहब के बीच में कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ किसी बात से और देव साहब ने फिर ये फिल्म छोड़ दी और बाद में शम्मी कपूर साहब इस फिल्म में आए। पर जिस तरीके से तीसरी मंजिल को भी गोल्डी आनंद ने फिल्म बनाया वो कमाल है, कमाल। तो ये दोनों भाइयों के अंदर ये बड़ी कमाल की प्रतिभा थी। और देव साहब हम सब लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये एक घटना है, देव साहब का होना हिंदुस्तान में घटना और हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस दौर में रहे हैं जिस दौर में देव साहब पैदा हुए। आप सब लोग यहाँ पर आए और इतनी खूबसूरत चर्चा को अंजाम तक पहुँचाए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अदा करता हूँ और खासतौर से मैं कामरा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार दोबारा देव साहब को हमारे जहन में जिंदा कर दिया। हालांकि देव साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हमारी जहन से कभी निकल नहीं सकते, लेकिन उस शख्सियत को बहुत पुरजोर तरीके से हमारे सामने दोबारा खड़ा कर दिया और हम कुछ कुछ देव जैसा अपने आप को महसूस करने लगे। हम फिर जुड़ेंगे और फिर एक नई चर्चा में देव साहब की कुछ और पैरामीटर्स पे कुछ और पहलू पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो।